गाइस देखिए गर्म हो चुका है अच्छे से पानी, ये देखिए। अब गाइस मैं इसके बाद इसको बंद करता हूँ। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे स्मार्ट एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम लोग एक वाटर हीटर को रिपेयर करेंगे। देखिए गाइस कुछ इस तरीके का है ये वाटर हीटर। गाइस इसमें यहाँ पे ये दोनों लगे थे और गाइस इसमें ये वायरिंग थी। गाइस ये मेरा पूरा ख़राब हो चुका था। गाइस मैं इसको आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ, बस ये ख़राब ना हुआ हो। गाइस अगर ये यहाँ से फट गया तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, बट अगर यहाँ से आपका अगर ख़राब हो चुका है तो मैं यहाँ पे आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। आपके पास कैसा भी वाटर हीटर हो आप सबको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। गाइस अगर इसको रिपेयर करना है तो गाइस सबसे पहले देखिए गाइस मेरा थोड़ा ही अलग अलग है, थोड़ा दूर दूर है, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ। तो गाइस मैं इसको थोड़ा तोड़ लेता हूँ तो इसको प्लास से कर लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से, ये देखिए गाइस हो गया इसके बराबर। अब थोड़ा और नीचे ये देखिए, गैस कुछ इस तरीके से ये इसके बराबर आ गया। गैस आप लोग भी इस तरीके से बराबर कर सकते हैं अगर आपकी ये वायर नहीं निकले ऊपर, तो इसको आप छील लें तो इससे ये वायर निकल आए, क्योंकि गैस इसी में आपको करंट देना है तभी ये गर्म होगा। गैस नहीं तो ये गर्म नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो आपकी वायरिंग ख़त्म हो चुकी हो, तो अगर आप गैस इसकी वायरिंग कभी ख़त्म नहीं होती, आप यहाँ तक भी इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी गैस, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पर होता है गैस, इसलिए इसको मत खोलना। अगर गैस आपका अगर यहाँ कहीं से फट चुका है तो ख़राब हो चुका है, लेकिन अगर आपका ऊपर से ख़राब हो चुका है तो आप इसको हाथ दो बार तीन बार जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको इन दोनों के बराबर कर लेता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने साफ कर लिया है सैंड पेपर की मदद से यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे वो लगेगा इसके ऊपर लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने साफ कर लिया है। यहाँ पे आप लोग नीचे भी कर लें, मैं अभी नीचे करूँगा। ये मैंने साफ कैसे किया, तो मैंने पहले चाकू से इसको साफ कर लिया वाइट वाइट को, उसके बाद मैंने इसमें सैंड पेपर से इसको साफ कर दिया पूरा अच्छे से। तो ये देखिए कितना अच्छा निकल आया, जैसा नया जैसा हो वैसा। तो यहाँ पे भी मैं चाकू की मदद से हल्के हाथों से इसको निकाल लूँगा। अगर गैस आपने ज़्यादा तेज कर दिया तो गैस ये फट सकता है, इसलिए आराम आराम निकालें या तो ना निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो गर्म होगा वैसे भी, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि ये अच्छा लगने लगेगा इसलिए। और गैस मैंने इन दोनों को भी साफ़ कर लिया, ये देखिए गैस जितना हो सका उतना मैंने साफ कर लिया इसको सैंड पेपर की मदद से। अब गैस मैं इसमें क्या लगाऊंगा, तो ये देखिए मेरे पास ये दो इंच का पाइप है, छोटा सा टुकड़ा। इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है और ये 2 इंच का है गाइस। ये देखिए इसके अंदर ही अच्छे से आ जाएगा यहाँ पे कुछ, ये देखिए गाइस यहाँ पे कुछ अच्छे से आ जाएगा ये, तो मैं इसका यूज करूँगा यहाँ पे। गाइस अब थोड़ा मैं इसको बेंड कर लूँ, ये गोल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा दबा ले रहा हूँ, तो इसको मैं दोनों तरफ से गर्म करके इसको थोड़ा सा दबा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा। गाइस देखिए मैंने इसकी हॉट गन की मदद से मैंने इसको इस तरीके से कुछ बना लिया, थोड़ा मैं यहाँ पे और लगा लूँ। ये देखिए गाइस मैंने हॉट गन की मदद से गाइस इसको इस तरीके से बना लिया, और गाइस इसके मैंने 3 टुकड़े काट लिए जो इसके यहाँ पे लगने हैं। गाइस जैसे साइज बताया उस तरीके से आप लोग इसको काट सकते हैं। गाइस किसी के नाप के हैं सीधे, इस तरफ अंदर की तरफ लगेगा इस तरफ, और एक बाहर की तरफ लगेगा कुछ इस तरीके से। गाइस 2 लगेंगी एक तरफ और एक तरफ एक लगेगा। गाइस अगर आपके पास इतना छोटा पाइप नहीं है, मतलब 2 इंच का नहीं है आपके पास, 3 इंच का हो, आप उसका यूज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके इसमें लगाना है कैसे भी, चाहे आप अगर आप इस तरीके से ना बना पाएं तो गाइस गोली लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ी फिनिशिंग देनी थी इसलिए मैंने इसको लगाया, कुछ इस तरीके से लगेगा। और गाइस अगर आपके पास छोटा पाइप है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बड़ा है तो उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस आप 2 इंच का लेने जाओ फिर इतना सा तो आप इसमें रुपए खर्च करो, इसमें कोई रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट मटेरियल अगर आपके पास हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं गाइस पाइप का। अब गाइस मैं इसको थोड़ा सैंड पेपर की मदद से इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए मैंने इसमें छेद कर लिए हैं। गाइस मैंने इसको इसमें नाप के देखा था तभी मैंने छेद किए हैं, देखिए गाइस इसके फिक्स हैं। गाइस इससे मैंने थोड़े से बड़े किए हैं, देखिए ये देखिए गाइस, क्योंकि गाइस इसमें मैं चारों तरफ MC लगाऊंगा जिससे कि गाइस ये हीट प्रूफ हो जाए। अगर मैं इसमें बिल्कुल चिपका के अगर छेद करता तो गाइस ये शायद कभी पिघल सकता था, क्योंकि ये गर्म होगा उसकी वजह से गाइस इसमें कोई डैमेज ना पड़े, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जगह छोड़ दी। अब मैं इसके चारों तरफ गाइस MC लगा दूंगा, ये रही मेरी MC, गाइस इसके चारों तरफ मैं इसको लगा लूंगा। इसका तो आपको पता ही होगा इसके अंदर गाइस 2 ट्यूब निकलते हैं, उन दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है गाइस। ये देखिए गाइस
ये देखिए गाइस, इसमें से दो ट्यूब निकाल के इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से इसमें लगाना है। तो मैं इसको इसमें लगाता हूँ गाइस, इसको मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। गाइस देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए गाइस, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। अब गाइस मैं इसमें इसको लगाता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ पहले कैसे लगाना है। ये देखिए गाइस, कुछ इतने ऊपर ये लगेगा गाइस, ये देख सकते हो। तो मैं इसको आधे आधे टुकड़े में बांट लेता हूँ। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा गोल करके इसमें लगाता हूँ चारों तरफ कुछ इस तरीके से गाइस। इसके बाद गाइस आपको इसके अंदर लगाना है, तो मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। गाइस देखिए, मैंने इसमें एमसील लगा ली है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लगा ली और यहाँ पे भी गाइस। आप सोच रहे होंगे ये मैंने पेन का टुकड़ा इसमें जो मतलब पेन क्यों लगाया यहाँ पे, तो इसकी मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्यों लगा। अगर आपको पता है तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है। और गाइस अगर आपको पता नहीं है तो देखिए गाइस आगे मैं इसका क्या यूज करूँगा इस पेन का। अब गाइस मैं इसको थोड़ा सूखने के लिए रखता हूँ कम से कम 1 से 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा है, 3 घंटे भी रख लो या 1 दिन। अच्छे अगर 1 दिन रख लोगे गाइस तो बहुत अच्छे से सूख जाएगा, बट मैं 1 से 2 घंटे में आपको दिखाता हूँ इसको। 2 घंटे बाद दिखाते हैं गाइस आपको इसको। गाइस देखिए, एमसील सूख चुकी है, इसमें देख सकते हैं अच्छे से एमसील बहुत पक्की हो चुकी है। अब गाइस मैंने यहाँ के पेन के टुकड़े को भी मैंने कट कर लिया, देखिए मैं इसको डाल के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये देखिए गाइस यहाँ पे पेन का जो टुकड़ा है इसके बराबर में ही निकला है बिल्कुल। ये देखिए गाइस बिल्कुल बराबर में है इसके। अब गाइस मैं इसमें होल करता हूँ, आपको होल करने की मैं जुगाड़ बताता हूँ गाइस। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, एक स्केल चाहिए छोटी सी। जैसे गाइस इसमें अगर आपको होल करना है, तो इसमें नाप ले लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर से यहाँ तक। तो देखिए उसके बाद इसमें गाइस मार्क लगा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए नाप, तो इसमें मार्क लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, बस 1 सेंटीमीटर पे ये आ गया, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर पे आया। तो इसमें भी इस तरीके से लगा सकते हैं आप नाप। मैंने इसमें लगा लिया, देखिए गाइस कुछ यहाँ पे आया है ये नाप, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आया है ये नाप। तो मैं इसमें होल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए मैंने इसमें छेद कर लिया है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो है नट लगेगा यहाँ पे कुछ, तो उससे पहले गाइस मैं इसमें ये लगा लेता हूँ जिससे कि इसमें वायरिंग हो जाए। ये मेरे पुराने जो इसमें लगे थे वही हैं गाइस, इसमें मैंने थोड़ा साफ कर लिया था, इसको आपको बताया था। तो मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ। इसमें इसको लगाने के लिए गाइस कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से लग गया, ऐसे ही आपको इसको भी लगाना है यहाँ पे, तो मैं इनको लगा लेता हूँ। गाइस देखिए मैंने इसमें दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। गाइस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन किए हैं तो इसमें टच ना हो गाइस ये, नहीं तो ये गाइस ख़राब हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है, इसलिए इसमें टच ना हो बिल्कुल भी। ये देखिए गाइस दूर है इससे, इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है गाइस। उसके बाद आपको एक LED लगाना है। जी है मेरे पास एक LED, जिसमें मैंने गाइस एक रेजिस्टेंस लगाई। ये रेजिस्टेंस गाइस 150K का है गाइस, 150K ओम का, मतलब 150K ओम। गाइस आप चाहे प्लस में लगा सकते हैं, माइनस में, किसी में भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अब गाइस मैं इसमें एक मैं इसमें लगा देता हूँ और एक इसमें लगा देता हूँ। तो देखिए गाइस अभी मैं लगाता हूँ, देखिए गाइस एक लग चुका है। अब मैं दूसरा भी लगा देता हूँ इसी तरीके से यहाँ पे, बिल्कुल आराम से लगाना गाइस यहाँ पे। ये देखिए गाइस दोनों लग चुके हैं, ये देखिए। अब गाइस यहाँ से इसमें लगाना है गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने छेद कर लिया, यहाँ पे ये बल्ब लगेगा, जिससे ये गाइस ये बताएगा कि वायर सही है, ये भी सही है, क्योंकि करंट आएगा तभी ये जलेगा गाइस, नहीं तो ये नहीं जलेगा। इसका मतलब ये वायर सही है, वायर जब तक कभी ख़राब होगी या शॉर्ट होगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब ये वायर शॉर्ट हो चुकी है, आप इसको एक बार देख लें। इसलिए इसमें मैंने ये LED लगाई है गाइस।
अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना आप अगर आप नए यूजर हैं। और गाइज कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आगे गाइज मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ इसको। और गाइज एक चीज़ गाइज इसमें मैं यहाँ पे सुपर ग्लू नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि गाइज कभी अगर मेरा ये ख़राब होता है तो गाइज इसको खोलना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे सुपर ग्लू लगा दी तो गाइज ये कभी दोबारा खुलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे सुपर ग्लू नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो नट, इसी नट से मैं इसको कस दूंगा तब भी ये बहुत अच्छा गाइज हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। देखना गाइज अभी मैं इसको लगाता हूँ। अब गाइज मैं इसको इसमें लगाता हूँ। गाइज मैंने इसके अंदर एक चीज़ लगाई है गाइज, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने सिर्फ गाइज इसलिए लगाई, ये बाहर हिलेना बिल्कुल भी, अच्छे से लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर गाइज आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और अगर ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं गाइज, इसका कोई वो नहीं है गाइज। ये पेन का छोटा सा टुकड़ा है गाइज, इसी को मैंने यहाँ पे लगाया है। अब गाइज मैं इसको इसमें लगाता हूँ LED को, थोड़ा सा वायरों को दूर कर लें। देखिए गाइज जिस तरीके से यहाँ पे ये लग जाएगा, और यहाँ पे ये LED लगा रहा हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये LED लग गई। अब गाइज इसको मैं थोड़ा फेविक्विक से यहाँ पे चिपका देता हूँ जिससे वायर टूटे उठे ना। गाइज इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, कोई भी वायर अंदर जो है गाइज ये किसी में टच ना हो, अगर ये टच होगा गाइज तो ये ख़राब हो जाएगा और आपको करंट भी लग सकता है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। और गाइज देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से, देखिए गाइज। अब मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ पूरा, तो इसको लगा गाइज देखिए, इसमें जो पुराना प्लग लगा था मैंने उसी का यूज किया, मैंने कोई नया नहीं खरीदा। और गाइज इसकी जो वायर थी वो भी पुरानी है गाइज, मैंने कोई नई नहीं खरीदी गाइज, जिसमें सब कुछ जैसा था वैसा ही बस ये मैंने यहाँ पे चेंज किया। और इसको मैंने अच्छे से साफ किया गाइज, जिसमें गाइज रस्ट लग गई थी मैंने उसको भी अच्छे से साफ किया और इसको चेंज कर दिया, पूरा नया बना दिया गाइज इसको। अब गाइज मैं गाइज देखिए मैंने इसको पूरा फिक्स कर लिया, अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। टेस्टिंग से पहले गाइज मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं किया है, देख सकते हैं गाइज जैसा है वैसा ही है। गाइज अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें कलर कर सकते हैं जैसा भी आपको करना हो, लाल ब्लू काला जैसा भी आपको करना हो उस तरीके का कर सकते हैं गाइज। गाइज मैंने तो कोई कलर नहीं किया है, अब मैं चलता हूँ इसकी टेस्टिंग की ओर। तो चलते हैं अपने गाइज टेस्टिंग की तरफ। गाइज देखिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। टेस्टिंग कराने के लिए गाइज देखिए मैंने बाल्टी रख ली है पानी की। गाइज इसमें एक चीज़ और है गाइज, कम से कम इतना डूबना चाहिए गाइज, इससे ज़्यादा डुबा दोगे तो गाइज इसके अंदर पानी चला जाएगा जिससे ये ख़राब हो सकता है गाइज, इसलिए मैं यहाँ तक इसमें करता हूँ। देखिए ये देखिए गाइज यहाँ तक आ गया, अब बस गाइज इसके बाद मैं इसमें लगा देता हूँ उसको। ये देखिए गाइज इसकी बल्ब एक्टिवेट हो गया, मतलब बल्ब जलने लगा जिससे कि अब ये पता चल गया ये गर्म हो रहा पानी। अब ये थोड़ी मतलब आधे से एक घंटे में अच्छे से गर्म हो जाएगा गाइज, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज देखिए ये गर्म हो चुका है अच्छे से पानी, ये देखिए। अब गाइज मैं इसके बाद इसको बंद करता हूँ। ये देखिए गाइज ये भी गर्म हो चुका है अच्छे से पानी, 100% वर्क कर रहा है गाइज। थैंक यू।